नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महेश टेस्टी रसोई में। आज हम बनाएंगे राजस्थानी कढ़ी पकोड़ा। राजस्थानी कढ़ी पकोड़ा बनाने के लिए अपने को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। दही लिया है, बेसन है, मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक, धनिया पाउडर, जीरा है होल, साबुत मिर्च है, लहसुन कटा हुआ बारीक, अदरक कटी हुई है, राई है, नीम के पत्ते हैं, करी पत्ता, सौंफ है थोड़ा, एक तेज़पत्ता लिया है और 3 काली मिर्च और थोड़ा साबुत धनिया, हरी मिर्च काट रखी बारीक, प्याज है कटे हुए। चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सॉस पैन ले लें, एक खाली बोल, इसमें दही डाल देंगे, दो टीस्पून बेसन डाल दिया है, नमक डाल दिया है, आधा पिंच हल्दी डाल दी है, आधा टीस्पून लाल मिर्च डाल दिया है, धनिया पाउडर आधा टीस्पून डाल दिया है। इसको अच्छा सा विस्क कर ले लें और पूरा घुमा लें ताकि इसमें गुठलियाँ पूरी घुल जाए। एक कप पानी डाल सकते हैं, जितना आपका लग रहा है कि बेसन मोटा हो रहा है, पतला घोल बना लेंगे इसका। इसको छान देंगे इसमें ताकि इसमें जो गुठली है वो निकल जाए, थोड़ा दही वही। ये वेस्ट इसको निकाल देंगे। दोस्तों कढ़ी को हिलाते रहना है, हिलाना छोड़ा वैसे ही फट जाएगी, उबलने के बाद छोड़ सकते हैं। ये हमने बेसन का घोल बना लिया है, बेसन लिया है, उसमें थोड़ा पानी डाला है, थोड़ा प्याज डालेंगे चॉप, थोड़ा हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया, नमक, थोड़ा मिर्च, हल्की सी हल्दी, इसको अच्छे से घोल लेंगे, टाइट कर लेंगे। इसमें एक थोड़ा सा सोडा भी डाला है ताकि ये पकौड़ियाँ अच्छी फ्लफी बने, थोड़ा हींग डालेंगे ताकि पकौड़े का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाए। चलिए दोस्तों तेल गर्म हो चुका है, इसके लिए पकौड़ा बना लेते हैं। जब तक अपनी कढ़ी पक रही है गोल गोल बना लेंगे, हल्का सा पानी लगा लें हाथ पे ताकि पकौड़े एक गोल निकलेंगे बिल्कुल। देखिए दोस्तों बहुत स्लो, जब तेल गर्म हो जाए तो धीरे कर देना है नीचे से, वो धीरे आंच पे इनको पकने देना है पकौड़ियों को, ताकि ये पकौड़ियाँ ऊपर आने लगेगी पूरी। पकौड़ियाँ अपनी पक चुकी है, इसको निकाल लेंगे, पकौड़ियाँ तैयार है। देखिए दोस्तों कढ़ी उबलना शुरू हो गई है, अब आप हिलाना छोड़ सकते हैं, इसको पकने दीजिए आराम से। जब तक हम तड़का बना लेते हैं इसका, साइड में एक पैन ले लीजिए, इसको गर्म होने दीजिए, पैन गर्म हो चुका है, ऑयल डालेंगे। देखिए दोस्तों तेल गर्म हो चुका है, इसमें सबसे पहले एक तेज पत्ता डाल देंगे, 3 काली मिर्च ली है मैंने, थोड़ा साबुत धनिया, सौंफ, 2 साबुत मिर्च, थोड़ा राई, जीरा, और मेन इंग्रेडिएंट्स करी पत्ते।
बारीक कटा हुआ लहसुन डाल सकते हैं, अदरक कटी हुई है बारीक, कढ़ी बनाने के लिए अपने को हींग जरूर डालनी चाहिए कढ़ी के अंदर, हींग से बहुत अच्छी कढ़ी बनती है और खुशबू भी अच्छी आती है। थोड़ा हरी मिर्च बारीक कटा हुआ डाला, थोड़ा प्याज बारीक कटे हुए डाले, जो तड़का मारेंगे ना तड़का मेन होता है और ये तड़के के हिसाब से बहुत अच्छी कढ़ी बनेगी और अपना तड़का पूरा तैयार है और इस कढ़ी में डाल सकते हैं। ये देखिए ये कढ़ी में डाल दिया है, ये देखिए कढ़ी में तड़का डालते कैसा कलर आया है इसमें, कढ़ी पूरे तरीके से पक चुकी है। अब इसमें पकौड़े ऐड कर देंगे अपने, ये देखिए दोस्तों अब इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे, पूरी तरीके से तैयार है कढ़ी। देखिए दोस्तों धनिया डाल देंगे इसमें। अगर हमारा बनाया हुआ राजस्थानी कढ़ी पकौड़ा पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों और लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल।